जबलपुर का ग्राम पंचायत सिलुआ पड़रिया एक ऐसी पंचायत है जहां आज भी वहां के ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं के आगे लड़ रहे हैं। इसमें पानी पीने के लिए हर दिन लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां ग्राम पंचायत आधिकारिक बतौर कागजों में स्वच्छता की और सुविधाओं के नाम पर अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, पर अब पंचायत के जवाबदारों से बात की जाती है तो हर कोई पलड़ा झाड़ लेता है। वही गाँव के सरपंच का कहना है, हमें नल जल योजना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कितने दिनों से समस्या चल रही? एक महीना हो गया। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। पहले कहाँ से आता था पानी? पानी यहाँ से आता था, बंद पड़ा है। पहले पानी के साधन कहाँ थे तुम्हारे यहाँ पे? हेड पंप है। एक ही है? ट्यूबवेल। लगभग कितने लोगों की आबादी है मोहल्ले में? पूरा गांव है। सरपंच कौन है? सिलुआ का। शिकायत की? शिकायत की। क्या बोला सरपंच? बोला रहे कि जे ग्राम पंचायत में नहीं है। इस गांव का सरपंच नहीं है, ऐसा बोल रहा है। पानी को ग्राम पंचायत में सिस्टम नहीं है। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? पानी की व्यवस्था बने। आपका नाम क्या है? कमला भाई। कैसे कहीं से जीते जीते तो नाम तो हो गया ना, नाम रोशन तो हुआ तो ही है, कैसे नहीं जीते? कहाँ बैठे हो यहाँ पे, क्या समस्या हो गई? पानी की समस्या हो गई। अभी कहाँ से ला रहे पानी? है? पानी नहीं है, कहाँ से ला रहे? अरे ये मुंडरी से ला रहे, वो मुंडरी से ला रहे, साइकिल मथा धर के घर गाँव में पानी के निकलते नहीं है। अपने नाम बताओ। नाम? वहीं गांव में शासन के पैसों का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें शमशान बनने के बाद चंद दिनों के अंदर सिर्फ हवा के एक झोंके में उखड़ गया। जहां गांव में पानी की जवाबदारी कोई नहीं लेता, वहां पानी के लिए बना ट्यूबवेल ग्रामीण चंदा करके चला रहे हैं, जिसका शासन से कोई प्रावधान नहीं है। वहीं प्रशासन बड़े बड़े वादे करता है। जहां पंचायत चुनाव करोड़ों रुपए का होता है, पंच के लिए बोलियां लगती हैं, वहीं जीत के बाद सिर्फ कागजों में योजनाएं बनकर रह जाती हैं। सिलुआ पड़रिया में आवंटित कुल 54,39,000 की अमृत पेयजल योजना का आज तक पता नहीं चला है। ये योजना सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। मेरे गांव में पानी की और हर चीज की समस्या बात है, न सरपंच न सचिव, न सरपंच न सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मालिक मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, 10 बार उनके पास गया मैं, उनके पास शिकायत भी लिखाई कि भैया मेरे गांव में पानी की दिक्कत है, लेकिन लोग बोलते हैं बेटा बन जाएगी, कब बनेगी भैया? जब प्यासे मर जाएंगे क्या? जब बनेगी? उन लोग बोलते हैं भैया तुम ऊपर 181 फोन लगा, 181 वालों ने कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ लाखों से याद आओ ग्राम पड़रिया सिलुआ पंचायत जबलपुर। वहीं जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि जबलपुर जिले की पंचायतों में नर्मदा का जल 24 घंटे देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत जबलपुर की पंचायतों को 24 घंटे पेयजल पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि सिहोरा, मझोली, पनागर, पाटन, कटंगी, भेड़ाघाट पंचायतों को 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। भेड़ाघाट में अभी 18 घंटे हर घर में 300 लीटर पेयजल पहुंचाया जा रहा है। साल के अंत तक सभी पंचायतों में 24 घंटे पेयजल पहुंचाया जाएगा। हम लोग के ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, उसको भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा पायली प्रोजेक्ट है और हमारी कितने भी नहर पंचायतें हैं, स्पेशली ना बेड़ाघाट है, कटंगी, मझोली, हमारी है ना सिगोरा, भनागर, उनको है ना नर्मदा पानी है ना 24 ना 24x7 है ना देने के लिए योजना है, उसको लगातार हम लोग है ना समीक्षा कर रहे हैं। बेड़ाघाट में अभी हम लोग 18 घंटे हम लोग है ना पानी दे पा रहे हैं, उसको लगातार एक स्काडा एक सिस्टम होती है, उसमें एक फ्लो मीटर भी होती है, हम कितने पानी है ना एक पर हेड है ना देना चाहिए, उस हिसाब से हम दे रहे हैं नहीं दे रहे, पानी का क्वालिटी कैसे है, उसको लेकर हमने ना ऑलरेडी पेड़ाघाट में काफ़ी कुछ काम हो गया है। रिमेनिंग नगर पंचायतों में भी कटंगी, मझोली वगैरह में भी है ना पाटन में ना पानी पहुँच गया है, और पनागर और सिगोरा में ना ऑलमोस्ट ना पानी पहुँच रही है, और कुछ है ना मतलब अंतिम काम है ना बाकी है, और कितने भी घर घर का कनेक्शंस हैं और फ्लो मीटर लगाना है वो काम भी है ना चल रही है। मुझे लग रहा है 1-2 महीने के अंदर ही है ना हम लोग
ये सारे काम को है ना व्यवस्थित करके लोगों को 24/7 के ना वाटर सप्लाई है उसको करने का है ना सीधी में आगे रखेंगे। बट इसमें लोगों की ना सपोर्ट भी जरूरत है, जैसे कि हम जब है ना पानी, शुद्ध पानी, ट्रीटेड वाटर है ना देते हैं, वो लमेटा घाट में एक इनटेक वेल है वहाँ के माध्यम से देते हैं, तो फिर उस पानी को ना किस तरीके से यूज़ करना है, उपयोग करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बैटाघाट में भी देखने को मिल रही है, मतलब इवन पर पर्सन यूसेज समटाइम 200-300 लीटर तक है ना पहुँच रही है, जबकि इतना पानी ना यूज़ नहीं होता है। सो इसके अलावा हम वार्ड लेवल पे एक समिति भी बनाएंगे, लगातार उनको है ना जागरूक करेंगे कि मतलब है ना पानी को है ना व्यर्थ ना करें, पानी का है ना ओपन ना छोड़े, या पानी का ये ट्रीटेड वाटर है इसको है ना मतलब कोई अन्य उपयोग में ना लाते हुए ना करें। बट अदरवाइज़ मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक है ना हम लोग सब नगर पंचायत हैं, जैसे कि ना बैडाघाट, कटंगी, पाटन, मजौली, पनागर, सिगोरा में हम लोग नर्मदा का पानी को है ना सही तरीके से पहुँचाने का हमारे प्रयास रहेगा। शहर में नहीं दे पा रहे सर, 7x24 आवर्स का था पानी का। वो स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी लगातार हम लोग है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें नेपियर टाउन के ना आसपास कितने भी है ना कनेक्शन है ना हमको होना है, वो भी है ना आई थिंक 31 दिसंबर तक है ना पूरा करने के लिए डायरेक्शंस दिए। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जल नल योजना का पूरा लाभ गिना रहा है, लेकिन सच तो ये है कि जबलपुर जिले में कई ऐसे गाँव है जहाँ आज भी नर्मदा का पानी नहीं पहुँच पा रहा है और न ही सरकार की जल नल योजना का वहाँ पर लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करके दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।